Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. आप सबका इस Satology के शो में बहुत बहुत स्वागत है. और राममय होने का समय है as usual. और ऐसा बोला गया है रामायण में कि जब आप रामायण के किसी एक श्लोक का भी पाठ करते हैं डेली तो आपको आपके सभी पापों का नाश होता है. ऐसा मतलब नहीं कि पाप करना चाहिए, लेकिन ऐसा बोला गया है. और डेली रामायण का पाठ करने से आपके जीवन में सुख शांति और बहुत ही धन धान्य पूर्ण जीवन रहता है उसके डेली पाठ करने से. तो आज हम लोग सप्तविंशत्यधिकशततम सर्ग से बात कर रहे हैं और किस तरह अयोध्या में अयोध्यावासियों ने त्रेता युग में राम के आगमन की तैयारी की. और तो भगवान राम पुष्प के मान से वापस आए, नंदीग्राम पे उन्होंने लैंड किया और नंदीग्राम से अयोध्या तक का सफ़र किस तरह भगवान राम का हुआ और क्या क्या तैयारियां हुई ये वाल्मीकि रामायण से है. आप लोग पढ़ भी सकते हैं और आपको बताने के साथ मेरा भी थोड़ा शुद्धिकरण होगा क्योंकि रामायण पढ़ने से सब लोगों को प्रेरणा मिलती है और शुद्धिकरण भी होता है. श्रुत्वा तु परमानंद भरत सत्यविक्रमा दृष्ट माज्ञापयामास शत्रुघ्न पर वीरहा. तो महापराक्रमी सत्य पराक्रमी भरत भगवान भरत ने शत्रुघ्न को भगवान शत्रुघ्न को आदेश दिया और उन्होंने बोला हर्षपूर्वक आदेश दिया कि सभी जो पुरुष हैं जो शुद्ध आचरण वाले हैं और जो कुल देवताओं की सेवा करते हैं और कुल देवताओं के साथ नगर के सभी देवस्थानों का सब लोग पूजन करें. तो कुल देवता की पूजा उस युग में भी थी. फिर उन्होंने बोला सूता स्तुति पुराणज्ञ सर्वे वैतालिकास्तथा, मतलब पुराणों के माध्यम से. तो जो लोग ऐसा बोलते पुराणों समय नहीं थे, यहाँ पे इसका खंडन हो रहा है. पुराणों और श्रुति के जानकार जो सूत हैं, सूत मतलब जो राज्य की सेवा करते हैं, समस्त जो सिंगर्स हैं जो वैतालिक हैं, वैतालिक को भांट भी बोला जाता है संस्कृत में हिंदी में, और सभी जो गाने बजाने में कुशल व्यक्ति हैं वो सब लोग भगवान के गणिकाएँ राज रानियाँ मंत्रीगण सेनाएँ सैनिकों की स्त्रियाँ ब्राह्मण क्षत्रिय व्यवसायी संघ के मुखिया लोग रामचंद्र जी का मुख दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले, ये आदेश दिया गया. भरत महाराज ने भगवान भरत ने भगवान शत्रुघ्न को ये आदेश दिया और शत्रुघ्न ने पूरे शहर में उसको बताया. ये अयोध्या कोई छोटी नगरी नहीं है. मेरी पुस्तक में मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से लिखा है अयोध्या के बारे में इस पुस्तक में ग्लोबल फुटप्रिंट रामायण में. और नंदीग्राम का सफ़र वो भी अयोध्या नगरी का ही पार्ट है, लेकिन नगर से थोड़ा सा बाहर माना गया उसको. और उन्होंने शत्रुघ्न ने अनेक मजदूरों की टोलियां बनाई और उनको बोला कि जो भी ऊंचा नीचा जमीन देखे उसको आप समतल बना दें. अयोध्या से नंदीग्राम तक का पथ को साफ किया जाए. आसपास की भूमि पर बर्फ के समान जो जल है उसका छिड़काव किया जाए. सिंचन्तु पृथ्वीम कृत्स्नाम हिम शीतेना वारिणा, बर्फ का पानी. ततो अभ्यभिकरण जय लाजय पुष्पैश्च सर्वता, हर जगह जो लावा होता है जो जोड़ देता है क्रैक्स को, और फूल बिखेर दिए जाए और ऊंची ऊंची पताकाएं को फहरा दिया जाए. उस समय भी त्रेता युग में ऐसा होता था. आपको यूरोपियन लोग बोलते हैं कि ऐसा सिविलाइजेशन, वेस्टर्न यूरोप में कभी सिविलाइजेशन कभी था ही नहीं. ये त्रेता युग की बात है भारत की, जो कि विश्व का सबसे केंद्र बिंदु है. अयोध्या विश्व की राजधानी है, विश्व मतलब पृथ्वी की राजधानी है.
वहां पे इक्ष्वाकु वंश का एक छत्र राज चलता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सूर्योदय तक कल सभी जो रहने के स्थल हैं उस पे पुष्पमालाओं से, जो फूलों के गजरों से और सूत के बंधन से रहित कमल, जो मतलब कमल फूल खिले हुए कमल मतलब, और पांच प्रकार के रंगों के अलंकार से सजा दें। दुनिया में 5 मेन कलर्स आर देयर, मतलब इतना भी साइंटिफिक नॉलेज है सबको। तो भारत हम लोग उस सभ्यता को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे पास शुरू से, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ अगर आपको एन्जॉय करना है तो वहाँ सिर्फ भारत में अवेलेबल है क्वालिटी। जो क्वालिटी एन्जॉयमेंट होता है वो सतगुण में होता है, न रजो में होता है न तमो में होता है, सतगुण में होता है। आप लोग कभी कभी उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब घर में पूजा हो उस समय तो सभी लोग जब बैठते हैं तो कितना सुख शांति लगती है उस समय। राजमार्गम संबाधाम किरंतु शतशोर नरा, राजमार्ग पे जिससे भीड़ ना हो इसलिए अनेक सैकड़ों विश्व मनुष्य सब ओर लग जाए, और सभी जो वहाँ के निवासी हैं प्रसन्नता से उसमें लग गए। जैसे मंदिर का इनॉग्रेशन तो 22 जनवरी को है और प्रसन्नता मुझे मतलब रोंगटे खड़े करने वाली प्रसन्नता है इसमें। दृश्य जयंत विजय सिद्धार्थ चार साधका, मतलब कि दृष्टि जयंत विजय सिद्धार्थ अर्थ साधक अशोक मंत्रपाल सुमंत्र, ये चार आठों जो मंत्री हैं और ये हाथियों पे चढ़ के चले भगवान राम के स्वागत के लिए। भगवान राम के स्वागत साफ नए कपड़ों में वस्त्रों में किया जाता है, सब कोई हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अगर नहीं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा यहाँ से, जो करें कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन सभी को इसमें इस तरह की सेवा, इसका जो अनुभव दिया जाता है, मतलब इसके तरह के इसको सेवा बोला जाता है। जब भगवान राम के मंदिर में जाते हैं या भगवान राम के पास जाते हैं तो स्वच्छ कपड़ों में जाएं, इसका फटे हुए कपड़े ना हो, अगर स्वच्छ हो, लेकिन कोई भी उसको सी सकता है, इतना तो कोशिश करना पड़ेगा। अपरे हेम कक्षा भी सग भी केरुण भी, मतलब बहुत सारे महारथी वीर सुनहरे रसों से हथिनी हाथी घोड़े रथ उस पर चले, और फिर अच्छे घोड़ों में हाथों में शक्ति का ऋषि और पाश धारण करने वाले, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अयोध्या काफ़ी सुरक्षित नगरी है, उसमें तोपे भी हैं, और ऐसा बोला जाता है कि अयोध्या नगरी में सारे के सारे जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं शरीर से, वो सारे एकत्रित होते थे, तो महायुद्धाओं की नगरी है अयोध्या। तो ये सभी योद्धा, पैदल योद्धा भगवान राम का जो वीर पुरुष श्री राम की अगुवानी के लिए जाए, और उसके बाद सभी जो दशरथ महाराज की रानियां हैं वो सवारियों पे चढ़ के कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकले और सबकी सब कैकेयी के साथ नंदीग्राम में पहुंच गए, रानियां भी वहां भी पहुंच गई, और सभी मुख्य मुख्य ब्राह्मण व्यवसायी वैश्य और मंत्री और अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को लेकर भरत महाराज स्वयं भी चले वहां से, चरण पादुकाओं को उन्होंने अपने सिर पे रखा, और सभी लोग उनका अभिनंदन कर रहे थे उस समय जब वे कर रहे थे। फिर श्रेष्ठ मालाओं से सजकर सफेद रंग का छत्र, क्योंकि सफेद भगवान राम का प्रिय रंग था, किसी ने मुझसे पूछा था भगवान राम के जो पताका है उसका रंग क्या है, भगवान राम की पताका का रंग है वाइट सफेद, और राजाओं के बड़े हुए दो श्वेत चावर भी उन्होंने साथ लेकर चले थे। और फिर भरत उपवास के कारण काफ़ी दीन थे, काफ़ी पतले थे, वो दुर्बल थे, और चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चरण धारण किए हुए थे, और लेकिन भाई का आगमन सुन के वो काफ़ी हर्षित भी थे।
तो भरत महाराज श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टाप, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद, ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी हिल रही है, और हाथियों की गर्जन से भूतल कंपित सा लग रहा है। ये है वैभव, ये त्रेता युग का वैभव की बात हो रही है। और जब उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के सारे नागरिक जब आ गए जिनको बुलाया, तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा, कच्चन खलु कापे सेवित चलचित्तता नई पश्यामि काकुत्स्थम राम मार्यम परंतपम। कि वानरों का चित्त चंचल होता है, तो कहीं आपने भी उस गुण का सेवन तो नहीं किया है कि भगवान राम की ऐसी झूठी खबर उठा दी हो अभी, क्योंकि अभी तक मुझे कुगुत्स कुलभूषण श्री राम आर्य के दर्शन नहीं होते, और इच्छा रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टि गोचर नहीं हो रहे। तो हनुमान जी ने बोला कि मुनिवर, भगवान भरद्वाज की कृपा से सारे वृक्ष फल फूल से लद गए हैं और मधु की धाराएं निकलती हैं। वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते हैं, उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हुए हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने भी को भी वरदान दिया गया था देवराज इंद्र के द्वारा, तो उन्होंने भी रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न आतिथ्य सरकार किया है, सत्कार किया है। इसलिए अब आप सुन सकते हैं वानरों का कोलाहल, बड़े प्रसन्न है, सब कुछ उनको अवेलेबल है, मतलब कि अभी भगवान राम की सेनाएं गोमती को क्रॉस कर रही है। गोमती थोड़ा दक्षिण में है, तो सालवन की ओर देखिए, वहां पे धूल की वर्षा हो रही है, तो वानर लोग सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। अब ये देखिए पुष्पक विमान आ गया, और पुष्पक विमान वो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था, और विश्वकर्मा ने उसको वर्णन किया है, अपने मन के अनुसार रचा है उसको, और भगवान राम ने रावण को मारकर इसको प्राप्त भी किया है, हनुमान जी बता रहे हैं। और ये जो विमान है सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है, इसका वेग मन के समान है, और ये ब्रह्मा जी के द्वारा कुबेर को प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे विदेह राजकुमारी सीता के साथ दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हुए हैं, और सुग्रीव और राक्षस भी इसमें बैठे हुए हैं। तो जैसे हनुमान जी ने पहले बताया, तो स्त्री बालक नौजवान बूढ़े सभी लोग बोल पड़े कि अब भगवान राम आ रहे हैं, और स्वर्ग लोक तो उनका हर्ष नाद गूंज उठा, मतलब इतना तो हम लोग कर सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है। और उन्होंने फिर सभी लोग अपने रथ घोड़ों हाथ रथों से उतरे और विमान पर विराजमान श्री राम का दर्शन करने लगे, और भगवान राम अभी विमान में ही बैठे हुए हैं। सब लोग उनके दृष्टि करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और हर्ष से पुलकित उनका शरीर है, और उन्होंने विधिवत पूजन किया, अर्घ्य दीप धूप जैसे आरती करते हैं वो पूजन किया, और विश्वकर्मा के मन से रचे हुए विमान में श्री राम देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे हैं। और जैसे ऊपरी भाग में भगवान राम पर दृष्टि पड़ी, भरत ने उसी प्रकार से उनको प्रणाम किया जैसे लोग मेरु शिखर के पर सूर्यदेव को नमस्कार करते, मतलब साष्टांग प्रणाम। और श्री राम जी की आज्ञा करके वो जो हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया, और श्री राम ने भरत को विमान पर चढ़ा लिया, और फिर दीर्घ काल से बहुत दिनों बाद मिले थे, गोद में बिठाया, हृदय से लगाया, और उसके बाद शत्रुओं को संताप देने के वाले भरत महाराज ने उनका प्रणाम ग्रहण करके, और फिर उन्होंने सीता, फिर उन्होंने भरत महाराज ने भरत महाराज का प्रणाम ग्रहण किया और सीता को प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया।
उन्होंने। और उसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव जांबवान अंग अंगद मैंद द्विविद नील ऋषभ सुषेण नल गवाक्ष गंधमाधन शरभ अपनस का वापस आलिंगन किया। और फिर उसके बाद जो रूप धारण करने वाले वानर थे उन्होंने मानव रूप धारण कर लिया और भरत जी से मिले और उनका कुशल समाचार भी पूछा। और उसके बाद राजकुमार भरत ने सुग्रीव को हृदय से लगा के उनसे कहा कि तुम हमारे पांचवें भाई हो, तो आपने जो उपकार हमारे ऊपर किया है वो एक भाई होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है, उपकार और अपकार अलग शब्द हैं। और विभीषण को सांत्वना दी उन्होंने कि आपकी सहायता पाकर रघुनाथ जी ने राक्षस का अत्यंत दुष्कर कार्य किया रावण का वध करके। उस प्रकार शत्रुघ्न ने भी राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में भी अपना मस्तक झुकाया। कौसल्या माता काफ़ी दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी और भगवान श्री राम ने उनके चरण पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी देवी को भी प्रणाम करके उनका अभिवादन किया। उसके बाद वो वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि ने के चरण उन्होंने उनको प्रणाम किया। फिर उसके बाद समस्त जो अयोध्या के नागरिक हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। भरत के बड़े भाई राम ने देखा कि नागरिकों की जो आंखें हैं उनकी ऊपर उठी हुई हैं। इस समय भरत ने उनको अपनी चरण पादिकाएं जो उनकी भगवान राम की चरण उनको दी और कहा, सकलम राज्यम न्यासम निर्यातितम मया अद्यन जन्म कृतार्थम मे संवृतश्च मनोरथ यत्त्वां पश्यामि राजान अयोध्यां पुनरागतम, कि मैंने आपके धरोहर के रूप में सारा राज्य आपके चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः मैं देख रहा हूँ अयोध्या में वापस आते हुए, और सब जो पूरा खजाना है, कोठार है, धन सब आप देख लें, ये सारी पहले से 10 गुना हो गई है। जैसा आप छोड़ के गए थे उसका 10 गुना है। और जब इस प्रकार का जब भरत महाराज बता रहे थे तो समस्त वानर और राक्षसराज विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी गोद में उनको बिठाया भरत महाराज रघुनाथ जी ने, और विमान के द्वारा सेना के साथ उनके आश्रम पर गए विमान के द्वारा। सो रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर बोला, विमान राज अब तुम यहाँ से कुबेर के पास चले जाओ, उन्हीं की सवारी में रहो। सो उत्तम विमान उत्तर दिशा की ओर लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। और अब वापस कुबेर की सेवा में आ गया क्योंकि हमको मालूम है रावण ने चुराया था कुबेर से। और उसके बाद अपने जो सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण स्पर्श करते हैं, और फिर उन्हें एक पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ दूसरे आसन पर स्वयं भी बैठे। तो उसके बाद भरत महाराज ने श्री राम से कहा कि आपने मेरी माता का सम्मान किया, मुझे राज्य मुझे दे दिया जैसा आपने मुझे कहा, उसी तरह मैं आपको ये राज्य वापस दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि अत्यंत बलवान बैल धूम्रे कानिना न्यस्ताम दृश्य भेण बलियसा, जिस बोझे को उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी प्रकार मैं इस राज्य के भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जबकि उन्होंने 10 गुना कर दिया है, लेकिन फिर भी भगवान राम को बोल रहे हैं मैं राज्य का भार मैं उठाने में असमर्थ हूँ। और राज्य के को मैं संभाल नहीं सकता। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है
कि जो बांध टूट जाता है उसके जल प्रवाह को बांधना बहुत मुश्किल होता है, तो राज्य के खुले क्षेत्र को ढक पाना मेरे लिए अपने लिए असंभव मानता हूँ। ये दीनता के शब्द हैं कि भगवान राम के सामने आप इसी प्रकार से हम बात करते हैं। आजकल हम भगवान राम को अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताते अपना। फिर जैसे गधा घोड़े की, कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं आपके मार्ग का रक्षण या रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। अरे भरत महाराज बोल रहे हैं, तो हम राममय हो सकते हैं, हम राम नहीं बन सकते। भरत महाराज भी बता रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने कैरेक्टर से। तो जैसे अगर किसी बगीचे बीच में वृक्ष लगाया गया है, वो बड़ा हो जाता है, उस पर इतना बड़ा उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था, लेकिन जिसे प्रजा ने तो वृक्ष का उदाहरण देते हैं कि अगर आप हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप निष्फल वृक्ष के समान हैं। तो मेरे तो ये इच्छा है कि पूरे जगत के लोग आपका राज्याभिषेक देखें। जगद्याभिषिक्तितम त्यमा नुपश्यतु राघव प्रतपंतम इवम आदित्यम मध्याह्ने दीप्त तेजसम। और मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति, मध्यान्ह काल मतलब दिन में संध्या के समय, आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। उस समय सूर्य सबसे ज़्यादा तेज होता है। आप विविध वाद्यों की मधुर सुनकर सोएं, नूपुरों की झनकार, गीत के मनोहर शब्द और जागें। और जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक ये पृथ्वी स्थित है, तब तक इस संसार के स्वामी बने रहे। नक्षत्र मंडल भी घूमता है स्लोली, और सूर्य भी नक्षत्र मंडल के थ्रू जाते हैं, और काफ़ी इटर्नल चक्र है ये ध्रुव के चारों ओर। तो भगवान राम ने तथास्तु बोला और उसे मान लिया। फिर वो एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। फिर काफ़ी नाई बुलाए गए जिनके हाथ हल्के हैं, तेज चलने वाले थे, उन्होंने रघुनाथ जी को घेर लिया। फिर पहले भरत महाराज ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने स्नान किया। तो फिर उसके बाद सुग्रीव राक्षसराज विभीषण ने स्नान किया, फिर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। जटा बनी है, लंबी बनी हुई है। फिर अनेक प्रकार के विचित्र पुष्पमाला, सुंदर चंदन के लेप और पीताम्बर धारण करके आभूषणों से सेवा प्रकाश की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रतिकर्म च रामस्य कार्यामस वीरवान, लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान, इक्ष्वाकुल कुलवर्धनम। और श्री राम ने फिर जब आसन ग्रहण कर लिया, फिर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया, और दशरथ की सभी पत्नियों ने, रानियों ने अपने हाथों से सीता जी का श्रृंगार किया, और कौशल्या ने वानर पत्नियों का भी श्रृंगार किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वासुंग रथ जोत कर ले आए। फिर उसके बाद अग्नि और सूर्य के समान दिव्य रथ को देखकर महाबाहु राम उस पर आरूढ़ हुए। और फिर सुग्रीव और हनुमान भी, इनकी भी इंद्र के समान कांतिमान थे, उनके कानों में कुंडल थे, उन्होंने भी दिव्य स्नान करके दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर नगर की ओर वो भी चले। और सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित, वो भी नगर देखने के लिए सवारियों पर चली। और वशिष्ठ मुनि को आगे करके श्री राम चंद्र जी के विषय में आवश्यक विचार करने लगे जो पुरोहित थे। वशिष्ठ मुनि जो है, ये वही वशिष्ठ मुनि जो योग वशिष्ठ का भी भगवान राम से उन्होंने वार्तालाप किया उसके ऊपर। अशोक, विजय और सिद्धार्थ
ये तीनों मंत्री भगवान राम के नगर के अभ्युदय और नगर की समृद्धि के लिए मंत्रणा करने लगे, डिस्कशन करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा राम है उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य है वो आप सब लोग करें, और वो सब आदेश देकर वो भी दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। सो भगवान राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होके उत्तम नगर की ओर चले। मैं तो चाहता हूँ कि नंदीग्राम से, इस बार भी नंदीग्राम से ही वो यात्रा चले, जहाँ से अयोध्या तक की। और भरत ने भगवान राम के सारथी बन गए, शत्रुघ्न ने छत्र उठा लिया, लक्ष्मण ने श्री राम जी के मस्तिष्क पर चावल ढुला रहे थे, एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे राक्षस राज, और उन्होंने दूसरा श्वेत चावल हाथ में लिया हुआ था। और फिर आकाश में ऋषि थे, मरुदगण थे, देवता थे, वो भी भगवान राम की स्तुति कर रहे थे। और वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए, शत्रुंजय, और वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे, 9000, और वे सभी मानव रूप धारण किए हुए थे, आभूषणों से विभूषित थे। और भगवान श्री राम शंख ध्वनि दुंदुभियों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम को रथ पर आरूढ़ होकर आते देखा, और उनके आगे सैनिकों को भी देखा। सबने जाके रघुनाथ जी को ते वर्ध इत्वा काकुत्स्थम, वर्ध मतलब बधाई दी, प्रतिनंदिता अभिनंदन के, और फिर भगवान नाम ने प्रतिनंदिता उनका भी अभिनंदन किया। और फिर पूरे भाइयों से घिरे हुए श्री राम जो थे उनके पीछे पीछे पूर्ववासी चलने लगे, पूर्ववासी अयोध्यापुरी के वासी, और मंत्रियों ब्राह्मण प्रजाजन श्री राम जी अपनी दिव्य कांति से उत्साहित थे। सबसे आगे बाजे वाले थे, फिर करताल, धुरी, स्वस्तिक और मांगलिक गीत गा रहे थे। इनके साथ श्री राम नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे सुवर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्याएं और हाथ में मिठाई लिए हुए अनेक मनुष्य चल रहे थे। और श्री राम, भगवान राम मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान के प्रभाव और अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते हुए जा रहे थे। अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ है सब सुन के, और विभीषण से मिलने का प्रसंग भी बताया मंत्रियों को। और पूरा जो शहर था हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था अयोध्यापुरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अयोध्यापुरी एक शक्तिशाली शहर है, तो वहाँ के लोग भी बहुत शक्तिशाली दिखते भी हैं और हैं भी, और धन धान्य से पूर्ण है। और सबने अपनी पताकाएं को ऊपर कर दिया। फिर वो सबसे पहले पिता के भवन में गए और माता कौशल्या सुमित्रा कैके के चरणों में मस्तक झुकाकर भरत से अर्थयुक्त कहा, सो ये जो मेरा अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्त मणियों से जड़ित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो, मेरा भवन। और भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़ के उस भवन में प्रवेश किया। और फिर शत्रुघ्न जी के आज्ञा से काफ़ी सेवक उस महल में गए। तो भरत ने सुग्रीव से कहा कि उनके अभिषेक के लिए जल लाने के लिए अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। फिर उस समय शेष वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े दिए, दूतों को आज्ञा दी कि 4 शेष वानरों को आज्ञा दी, 4 सोने के घड़े दिए और कहा कि कल प्रातः काल में चारों समुद्रों के जल से भरे हुए जड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आज्ञा की प्रतीक्षा करो। तो जो सुग्रीव ने आज्ञा की, सुग्रीव को पूरे विश्व का बारे मालूम है,
उसके बारे में हम लोग बहुत सारे शोज कर चुके हैं, सुग्रीव्स एटलस मेरी पुस्तक में तो बहुत डिटेल में है। तो चार विशाल काय महामनस्वी वानर वो तत्काल आकाश में उड़े, जाम्बवान हनुमान गवय ऋषभ, वो चारों समुद्रों से 500 नदियों से भी सोने के बहुत सारे कलश भर के लाए। और फिर पूर्वात समुद्रात कलशम जल पूर्ण, और ऋचों की जिनके पास बहुत बड़ी सेना है, जाम्बवान संपूर्ण रत्नों से सुवर्ण में कलश लेकर गए और उसे पूर्व समुद्र का भर जल भर के लाए। दक्षिण समुद्र ऋषभ दक्षिण समुद्र से जल भर कर लाए, सोने का घड़ा भर के लाए, और वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। और वायु के समान वेगशाली गवय वो विशाल रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर कर लाए। और गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल कर ले आए। उत्तरवर्ती तो चारों समुद्र, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण। और फिर शत्रुघ्न ने वह सारा जल पुरोहित वशिष्ठ जी को और अनेक सूर्यदेवों को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों ने वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बिठाया। फिर आठ वसुओं ने जिस तरह इंद्र का अभिषेक किया था, उसी प्रकार वशिष्ठ वामदेव जाबाली काश्यप कात्यायन सुयज्ञ गौतम और विजय आठ मंत्रियों ने स्वच्छ और सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। तो सबसे पहले औषधियों का रस और जल से ऋतविज ब्राह्मणों द्वारा, 16 कन्याओं द्वारा, 10,000 मंत्रियों द्वारा अभिषेक कराया। उसके बाद योद्धाओं के द्वारा, व्यवसायिकों के द्वारा अवसर दिया। फिर आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं को और चारों लोकपालों ने शिव भगवान का अभिषेक किया। और फिर ब्रह्मा जी का जो बनाया हुआ किरीट मुकुट अभिषिक्ता पुरा ये न मनुस्तम दीप्त तेजसम तस्मान्य राजन क्रमाद ये न अभिषेक था। पहले मनु जी का वही मुकुट उनको दिया गया था और सभी वंशधर राजाओं को दिया गया था। और विचित्र रत्नों से चित्रित सुवर्ण निर्मित और उस सभा में अनेक रत्नों से बड़ी चौकी पर विधिपूर्वक रखा गया था। फिर उस किरीट से और अनेक भाषणों से अनेक आभूषणों से श्री राम जी को विभूषित किया वशिष्ठ मुनि ने। और शत्रुघ्न ने उन पर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक ओर वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चमर हाथ में लिया, दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चमर लेकर उनको हिलाना डुलाना आरंभ किया। और देवराज इंद्र की प्रेरणा से सुवर्ण में कमलों से भरी हुई एक माला और रत्नों से युक्त मणियों से मुक्ताहार श्री रामचंद्र जी को भेंट किया वायुदेव ने। और फिर गंधर्व गा रहे थे, देवता गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और भगवान राम ये सब देख रहे थे। पृथ्वी जो है पूरी खेतों से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए। और ब्राह्मणों को श्री राम ने 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 गाय और 100 सांड दान किए। और फिर उन्हें 30 करोड़ जो है जो त्रिंच कोटि हिरण्यस्य ब्राह्मण देव ददौ पुनः, मतलब कॉइन्स, और अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को दिए। नाना भरण वस्त्राणी मारहाणी च राघवा। और उसके बाद उन्होंने सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट करी और उसमें बहुत सारी मणियाँ लगी हुई थी। उसके बाद वाली पुत्र अंगद को उन्होंने 2 अंगद भेंट किए बाजूबंद, और नीलम से जटित होने के कारण नीलम था उनमें। और फिर उन्होंने वायु देवता ने जो मुक्ताहार दिया था वो उन्होंने सीता जी के गले में डाल दिया और 2 दिव्य अस्त्र दिए और बहुत सारे आभूषण समर्पित किए सीता देवी को।
और सीता ने वायु पुत्र हनुमान जी को कुछ भेंट देने का विचार किया और उन्होंने अपने गले से मुक्ताहार को निकाल कर और वो सबको देखने लगी। फिर श्री राम जी ने कहा, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसको ये हार दे दो। तो माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्तर बुद्धि, वो हार दे दिया। और हनुमान जी उसको पहन के काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, एकदम चंद्रमे के जैसे। और जो सभी वानर थे, श्रेष्ठ वानर थे, उनका सत्कार किया गया। और भगवान राम ने भी सबको रत्न आभूषण दिए और सबको अब उनको सम्मान देके वो सब लोग अपनी जगह पे वापस चले गए। और फिर उन्होंने द्विविध मैंद और नील को भी उत्तम रत्न भेंट किए। और सभी वानर जो हैं भगवान राम का राज्याभिषेक देखकर किष्किंधा की ओर चले गए। सुग्रीव भी किष्किंधा पुरी चले गए वापस। फिर भीषण ने अपना राज्य प्राप्त करके वो लंकापुरी को चले गए और रघुनाथ जी तब से शासन करने लगे। ये है राज्याभिषेक की कहानी और भगवान राम का अयोध्या में आगमन। क्या सीखने को मिलता है हमको? अब सत्तावली जी का विषय होता है, ये तो रामायण है। क्या सीखने को मिलता है इतिहास का? कि भारत एक कल्चर की बात करते हैं, सिर्फ भारत में है, बाकी कहीं भी इस प्रकार का कल्चर नहीं है। बाकी सब जगह भाई भाई को मारता है, हर प्रकार की हिंसाएं होती हैं। कलयुग के हैं सारे, कलयुग का डिस्क, हम तो कलयुग में हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। लेकिन द स्टैंडर्ड ऑफ कल्चर, जो एक्चुअली गोल्डन स्टैंडर्ड होता है, वो सिर्फ हमारी वैदिक संस्कृति में ही है, सनातन धर्म में ही है। कितना मतलब डिस्क्रिप्शन सुन के, भगवान का राज्याभिषेक सुनकर ही ऐसा लगता है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा हो, वाल्मीकि जिस तरह बता रहे हैं। तो ये कल्चर, इसको हमको संभालना बहुत ज़रूरी है। और जब रामलला वापस आ रहे हैं 22 जनवरी को, ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सब उसमें थोड़ा सा योगदान करें, हल्का सा। जा तो हम सब लोग नहीं सकते, मैं तो बहुत ही दूर हूँ, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उधर रहते हैं। लेकिन हम लोग यहीं से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घरों में दीप जला सकते हैं 22 जनवरी को। मेरा घर पूरा सजा होगा उस दिन, मैं उसकी तैयारी शुरू कर चुका हूँ। और भगवान राम, मैं चाहता हूँ कि भगवान राम मेरे हृदय में आए, आप सबके हृदय में आए। और वो तभी होगा जब हम प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और इन 22 दिनों में राममय हुई, अभी तो 20 दिन बचेंगे जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तो सिर्फ राममय होकर हम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। जैसे बोला गया कि 22 जनवरी को दीपावली है, वास्तविक में दीपावली है। 22 जनवरी को हमारी दीपावली है। इस बार दीपावली दो बार आएगी 2024 में, 2024 में दो दीपावली है, एक 22 को है और एक वास्तविक में है, दोनों ही वास्तविक है एक्चुअली। तो मैं तो बहुत आनंदित हूँ और भगवान राम की वजह से अभी रामायण का दिन प्रतिदिन पाठ करने का भी अवसर मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। तो अभी पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, अपने माता पिता के साथ शेयर करिए और सभी को बताइए, अब श्री राम आने वाले हैं और आ रहे हैं, भव्य मंदिर उनका बन रहा है। तो भगवान श्री राम की जय, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय, सभी वानरों की जय, सभी राक्षसराज विभीषण की जय। और भगवान राम जो है किस तरह सबका आदर सत्कार करते हैं, मान न मान देना, वो सबको मान दे रहे हैं बिना मान की अपेक्षा किए हुए।
लेकिन क्योंकि वो राजा है, सबका दायित्व है उनका मान रखना, उनका मान करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हम इसके विषय में और बात करेंगे दूसरे दूसरे विषयों पे जो कि इम्पोर्टेंट है, युद्ध से रिलेटेड भी, रामायण के युद्ध से। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जगन्नाथ भी भगवान राम का नाम है, वो तो हमने कल पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। जय जगन्नाथ।